हेलो फ्रेंड, आज हम बनाने जा रहे हैं पत्ता गोभी और प्याज के पकोड़े। बहुत ही इजी टेस्टी रेसिपी है। हम ले लिए हैं आधा टुकड़ा पत्ता गोभी। इसे अच्छे से कटिंग कर लेंगे बारीक। देख सकते हैं पत्ता गोभी अब कट चुका है हमारा। अब हम ले लिए हैं 3 छोटे साइज का प्याज। इसे भी बारीक काट लेंगे। पांच से छह हरी मिर्ची, इसे भी लंबे साइज में काटेंगे पतला पतला। बहुत ही टेस्टी बनता है, आप भी एक बार बनाकर ट्राई कीजिए। बहुत ही आसान रेसिपी है। प्याज और पत्ता गोभी को अब हम अच्छे से धुल लेंगे। इसमें डाल लेंगे 3 चम्मच बेसन, कटी हुई हरी मिर्च, हरा मटर, इससे स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। स्वाद अनुसार नमक, आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं मिक्स हो गया है। कढ़ाई गरम हो चुका है, इसमें डाल लेंगे तेल। तेल को थोड़ा गरम होने देंगे। इसमें अब डालेंगे छोटे साइज का पकौड़ा। बहुत ही आसान रेसिपी है। देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ रहा है पकौड़े का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही टेस्टी पकौड़ा निकल कर आया है हमारा। देख सकते हैं।